आज मेहनत कम है लेकिन अर्निंग ज्यादा है, जितनी है उतनी करनी पड़ेगी फिर अर्निंग मिलेगी। 4 मंथ एगो 34 मिलियन व्यूज, 9 मंथ एगो 36 मिलियन व्यूज, 8 मंथ एगो 20 मिलियन व्यूज। आज के इस वीडियो में इनकी एक वीडियो से आप 10 शॉर्ट वीडियो क्रिएट करने वाले हो और लाखों की अर्निंग करने वाले हो। सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए, इन्होंने इनके चैनल का नाम है एल चैनल्स। इनके चैनल पर लगभग 4 मंथ पहले वीडियो अपलोड किया है, इस पर 32 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। यहाँ पर 9 मंथ एगो 36 मिलियन आ चुके हैं, 8 मंथ एगो 20 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। ये तो पुराने रहे। यहाँ पर देख लो 4 मंथ एगो 4.6 मिलियन, यहाँ पर देख लो 3 मंथ एगो 4.7 मिलियन, 5 मंथ 6.2 मिलियन, और भी नीचे जाओगे ना बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर 4 मंथ एगो 3.9 मिलियन व्यूज है, 2 मंथ एगो 4 मिलियन व्यूज है। ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला है। यहाँ पर इनके चैनल पर विजिट किया हूँ मैं, यहाँ पर देख लीजिए ये एक ओपन करके रखा है, ये चैनल है ना एल चैनल, यहाँ पर ओपन करके रखा है। इनके चैनल पर विजिट करने के बाद सबसे पहले बता दूं कि ये चैनल मोनेटाइज नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए इनके चैनल के ऊपर कोई भी थैंक्स का ऑप्शन या फीचर या बटन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इनका चैनल मोनेटाइज नहीं है। लेकिन हमें इनके चैनल के मोनेटाइज होने से या ना होने से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें तो इनके वीडियो को शॉर्ट में अपलोड करके शॉर्ट बोनस हासिल करना है, तो हमें इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो इनका चैनल मोनेटाइज हो भी सकता है, क्योंकि जो थैंक्स का बटन होता है ना, सेटिंग के अंदर जाके उसे जो है मैन्युअली इनेबल करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि इतने व्यूज आने के बाद भी थैंक्स बटन इन्होंने जो इनके चैनल पर नहीं है, मतलब इनका चैनल मोनेटाइज नहीं है। क्योंकि इतने व्यूज आने के बाद कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि मैं थैंक्स का बटन इनेबल ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोनेटाइज इनका चैनल नहीं है। आप दूसरा चैनल देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए मैंने ओपन करके रखा है दोस्तों, इनके चैनल पर 86 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। इन्होंने लगभग 11 मंथ पहले वीडियो अपलोड किया था, 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज इनके चैनल पर यहाँ पर आ चुके हैं। इनके चैनल को मैंने यहाँ पर विजिट किया दोस्तों, और देख लीजिए इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। जब इनके इस वाले वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और इसी तरीके के दूसरे वीडियो पर 5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, तो इनको ये वीडियो, ये दूसरे कैटेगरी की वीडियो अपलोड करने की क्या जरूरत थी? ऐसे करने से इस वीडियो से जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो इस वाले वीडियो को थोड़ी ही देखेंगे। तो इनको ये समझ में आना चाहिए था, जब ये वीडियो चले हैं तो इनको इस कैटेगरी में वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए था। इनको ये समझ में नहीं आया, अपलोड की और इनके चैनल की रेपुटेशन पूरी खराब हो गई। अगर आप भी कर रहे हो ना इस कैटेगरी पर वर्क या किसी भी दुनिया के कैटेगरी में वर्क, आपको मिक्सिंग कंटेंट नहीं डालना है। डालो पहले डालो, लेकिन जो वीडियो जिस कैटेगरी का वीडियो आपके चैनल पर वायरल हो जाए चल जाए, उसके बाद आपको मिक्सिंग नहीं डालना है, भूल कर भी नहीं डालना है, क्योंकि चैनल को आपके बर्बाद कर देगा वो मिक्सिंग कंटेंट। इस वजह से इन्होंने की है गलती, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये और एक चैनल है, इनके चैनल पर देख लीजिए टिकटॉक डोर इस नाम का चैनल है। इनके चैनल पर ना 3 मंथ के अंदर, ये देख लीजिए इनके चैनल को यहाँ पर ओपन करके रखा है, 3 मंथ के अंदर इनके जो वीडियो है वो वायरल जाना शुरू हो चुके। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने इस कैटेगरी में वीडियो अपलोड करना चालू कर दिए, तभी से इनका चैनल ग्रो होना चालू कर दिया। यहाँ पर देख लीजिए 5,71,000 सब्सक्राइबर है, जबकि इनके इस कैट वाले वीडियो पर देखा जाए ना, इतने सब्सक्राइबर इतने व्यूज़ पर मिल ही नहीं सकते। दुनिया में कोई भी कैटेगरी नहीं है इतने व्यूज़ पर 5,71,000 सब्सक्राइबर उनको दे दे, ऐसी कोई भी कैटेगरी है ही नहीं। क्योंकि इनके चैनल पर पहले कोई और वीडियो हो गए, अभी ये अपलोड कर रहे हैं इस तरीके से और इनको व्यूज भी मिल रहे हैं। तो अभी भी दोस्तों आपके मन में ये आता होगा कि यार इस तरीके की वीडियो हमें क्रिएट कैसे करनी है, लॉन्ग वीडियो तो इनकी है, लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं करनी है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम कॉपीराइट स्ट्राइक आपको ये दे सकते हैं। हमें क्या करना है, शॉर्ट फंड लेने के लिए, शॉर्ट बोनस लेने के लिए इनकी वीडियो से एक वीडियो उठाओगे तो उसमें आपके 10 जो है शॉर्ट क्लिप्स या वीडियो तैयार हो जाएंगे। एक वीडियो उठाओगे 10 शॉर्ट वीडियो तैयार हो जाएंगे, और इसी वीडियो को आपको दिन में 3 अपलोड करना है, 3 वीडियो दिन में जाएंगे तो 1 मंथ के अंदर 90 वीडियो आपके अपलोड हो जाएंगे। अगर 1 मंथ के अंदर 90 वीडियो अपलोड करोगे तो आपका एक ना एक वीडियो ज़रूर चलने वाला है, और शॉर्ट के अंदर कोई वीडियो चला वो मतलब 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन 50 मिलियन 60 मिलियन कितने भी मिलियन पहुंच सकता है, क्योंकि वो शॉर्ट की कैटेगरी है। वहाँ पर वॉच टाइम की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है।
चल रहा है वीडियो, चलता ही जाएगा, एक ऐसा शॉर्ट का फायदा है। और इसी के जरिए जितने ज़्यादा मिलियंस आपके शॉर्ट वीडियो पर व्यूज आएंगे उस हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। और ये मत समझना कि इनकी वीडियो लॉन्ग में से हम कॉपी करके शॉर्ट में अपलोड कर रहे हैं तो हमें बोनस नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप दुनिया के किसी भी चैनल की वीडियो उठाओ, शॉर्ट में अपलोड करो, आपको बोनस मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस वजह से बेझिझक होके अगर आप इस कैटेगरी में वर्क कर रहे हो तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनकी वीडियो को कट करना है और कैसे कैसे मिक्सिंग मतलब एडिटिंग कैसे करनी है। बहुत सिंपल सी होती है लेकिन थोड़ा बहुत वो जानना आपके लिए ज़रूरी है अपलोड करने से पहले कि शॉर्ट में क्या क्या एडिटिंग करनी ज़रूरी होती है। दोस्तों एडिटिंग के लिए मैं आ चुका हूँ पावर डायरेक्टर। इस एप्लीकेशन के अंदर आप चाहे तो काइन मास्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, प्रोसेस एकदम सेम रहने वाली है। तो मैंने क्या किया है, एक वीडियो अपने गैलरी में सेव किया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ, दिखा सकूँ कि किस तरीके से आपको शॉर्ट वीडियो क्रिएट करनी है। तो उस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके मैं सबसे पहले टाइमलाइन के अंदर जो है ऐड कर दूंगा। अभी देख लीजिए यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। क्लिक कर देने के बाद जो है ये रहा डाउनलोड का ऑप्शन फोल्डर, इस पे वो वीडियो है जो कि मैंने अभी ली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वीडियो आ चुकी है। अब देख लो इसमें से आपको वो क्लिप चूज करनी है, चुन लेनी है जो कि आपको अच्छी लगती है, मतलब अच्छी लगी है आपको भी और देखने वाले को भी अच्छी लगेगी, इसकी आपको गारंटी हो, ऐसी क्लिप आपको चूज करनी है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां से एक क्लिप चूज करूंगा, अच्छी वाली कोई भी एक देख लेता हूं, यहां पर ये देख लेता हूं, ये देखो ये क्लिप जो है मुझे अच्छी लग रही है इस तरीके से। तो यहां से मैं इसको उठाऊंगा, देखो यहाँ ये क्लिप अच्छी लग रही है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इस पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके एक कट मारूँगा और ये क्लिप जो है इस वीडियो में कहाँ तक चल रही है, थोड़ा थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल करके देख लीजिए कहाँ तक चल रही है। और वो ही क्लिप, एक एक क्लिप ही लेनी है, एक वीडियो से 10 शॉर्ट वीडियो आपके बनकर रेडी हो जाएंगे। यहाँ तक चल रही है, यहाँ तक देख लीजिए, ये रही यहाँ तक। अब दूसरा कट मारूंगा स्प्लिट के ऑप्शन पर क्लिक करके और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये वाला और ये वाला मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देख लीजिए डिलीट का ऑप्शन है, मैं यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर दूंगा और ये आगे को भी सिलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर दूंगा। और ये बचा पार्ट जो कि हम चाहते हैं वीडियो अपलोड करना शॉर्ट के अंदर, तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से ले आया है मैंने इसको। अब इस वाली वीडियो को हमें स्ट्रेच करके इस तरीके से जूम करना है और थोड़ा सा नीचे ले आना है इस तरीके से। आप देख लीजिए ये इस तरीके से आ चुका है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ऊपर बहुत ही सिंपल से, कुछ भी ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, यहाँ पर ऊपर की ओर कुछ ऐसी स्टोरी क्रिएट करनी है जिसको पढ़कर लोग आपकी वीडियो जितनी भी है 5, 10, 15 सेकंड की वो देखने के लिए मजबूर हो पाए या ज़रूर देखे, ऐसी कुछ स्टोरी क्रिएट करनी है। तो इस वाले क्लिप के अंदर ये जो कैट है वो क्या कर रही है, जैसे कि देखो ये एक खाना बना रही है, इस तरीके से खाना बना रही है। तो मुझे कुछ ऐसा एक सेंटेंस दिमाग में सोचना है, चूज कर लेना है किस तरीके से लिखना है ताकि इस एक स्टोरी क्रिएट हो पाए और लोग आपकी वीडियो उस स्टोरी को पढ़ने के बाद जो है देखने पर मजबूर हो पाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, गुस्से में हूँ क्योंकि पति ने मारा, इस तरीके से मैं एक स्टोरी एक लाइन में क्रिएट कर दूंगा ताकि लोग पढ़े और इस वीडियो को देखने पर मजबूर हो पाए। तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए टेक्स्ट लाने के लिए, यहाँ पर क्लिक किया और ये रहा टेक्स्ट। इसके अंदर जो है आपको अनगिनत टेक्स्ट मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगता है वो चूज कर लेना इस तरीके से। अब मैं कलरफुल के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, ऊपर किया है क्लिक, यहाँ पर देख लीजिए ये रहा, यहाँ पर क्लिक किया और ये टेक्स्ट मेरे सामने आ चुके हैं। इसमें से इन चारों में से आपको कोई भी एक टेक्स्ट लेना है और यहाँ पर हमारी जो लाइन यहाँ पर जो है उसको ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, चलो ये ले लेता हूँ, इसको इस तरीके से ले लिया है। अब इसको जब तक वीडियो है जितनी देर तक जितनी लेंथ की वीडियो है उस तरीके से इसको स्ट्रेच करना है और टेक्स्ट को एडिट करके हमें हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, गुस्से में हूँ पति ने मारा, इस तरीके से मैंने एक स्टोरी जो है यहाँ पर क्रिएट कर ली है और गले में खराश है दोस्तों, इसलिए मुझे माफ़ करना। यहाँ पर डन पर क्लिक कर देता हूँ, ये टेक्स्ट जो है इस तरीके से आ चुका है। अब इस टेक्स्ट को इस तरीके से ऊपर लेना है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं लेना है क्योंकि वो जो है मतलब ढक ना जाए, इस तरीके से आपको ऊपर ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अब देख लीजिए टेक्स्ट इस तरीके से देखिएगा, गुस्से में हूँ पति ने मारा। चाहे तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर
टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करो, सारी की सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज या ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि कलर चेंज करना तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बैकटॉप पर इस पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से कलर येलो है ये, इसको हम चेंज करके कोई ऑर्डर कर सकते हो। जैसे कि चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पर ये वाला, ये पिंक कर दिया। अब पिंक के ऊपर ब्लू अच्छा नहीं लगता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना पड़ेगा। बैकग्राउंड का तो किया है, कलर टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है तो इस वाले डिज़ाइन के ऑप्शन पर क्लिक करो, क्लिक कर दिया और यहाँ पर इसके कलर के अंदर आपको वाइट चूज करना है। देख लीजिए आप, अच्छा लगेगा ये, देख लीजिए इस तरीके से लग रहा है। अब ये थोड़ा सा ना बहुत ही ऑड लग रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस तरीके से ये थोड़ा सा मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि टेक्स्ट है क्या, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस वाले टेक्स्ट को जो हमने फॉन्ट है ना वो फॉन्ट चेंज करके देखना है कि कौन सा अच्छा लगता है। देख लीजिए ये भी अच्छा लग रहा है, आप चाहे तो ये करके देखते हैं, ये इस तरीके से लग रहा है, ये करके देखते हैं, ये इस तरीके से दिख रहा है, ये मतलब ये अच्छे लग रहे हैं, पहले वाला अच्छा नहीं था। आप देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, गुस्से में हो पति ने मारा, इस तरीके से लिखा है। मतलब ये पढ़ने के बाद ना लोगों के मन में एक मतलब एक अच्छा सा स्टोरी क्रिएट हो जाएगा कि यार क्या है इस वीडियो में, तो वो ज़रूर आपकी वीडियो पूरी देखेंगे और पूरी देखेंगे तो आपका वीडियो जो है ना वो वायरल होगा। कितने भी मिलियन व्यूज आ सकते हैं, दिन के 3 वीडियो अपलोड करने हैं, एक मंथ के अंदर आपके 90 वीडियो हो जाएंगे और एक मंथ आप डेली अपलोड करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका चैनल का एक ना एक वीडियो ज़रूर चल जाएगा, ज़रूर वायरल हो जाएगा। अब आप कहते होंगे कि यार 3 वीडियो बनाने में बहुत टाइम जाएगा, 15 सेकंड नहीं दे सकते हो, हर एक वीडियो 5 सेकंड की है तो 5-5 सेकंड 15 सेकंड दिन के नहीं दे सकते हो, क्या जाता है 15 सेकंड देने से। वैसे तो आप यहाँ वहाँ घूमते ही हो ना, जब काम की बात आती है तब आपको लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, जब आप वेस्ट कर रहे होते हैं तब आपको नहीं लगता कि महसूस नहीं होता कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन कोई काम करने के लिए बोला है किसी ने तब आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से डेली के 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसी नहीं किसी भी कैटेगरी में शॉर्ट में काम कर रहे हो तो डेली के 3 अपलोड करो ताकि आपकी रैंकिंग बढ़ जाए इस तरीके से। तो आप इसकी एडिटिंग हो चुकी है दोस्तों इस तरीके से। आप अगर चाहते हो कि टेक्स्ट को एनिमेशन देना तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करो, ये रहा एनिमेशन का ऑप्शन, ये रहा, इस पर क्लिक करके ना बहुत सारे एनिमेशन आपके सामने आ जाएंगे। इन पर क्लिक करोगे तो इन के आएंगे, आउट पर क्लिक करोगे तो आउट के आएंगे। तो मैं क्या करूँगा इन पर, मतलब किस तरीके से आपका टेक्स्ट जो है वो आना चाहिए इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। मतलब इस टेक्स्ट के ऊपर तो हम एनिमेशन नहीं लगा सकते क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड है इस वजह से। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगाना है तो बिना बैकग्राउंड वाला टेक्स्ट लेना है तभी आप एनिमेशन लगा सकते हो। तो ये जो वीडियो है वो 5 सेकंड के अंदर आपकी क्रिएट हो चुकी है तो इसको क्या करूंगा फुल एचडी के अंदर अपलोड कर दूंगा मैं, मतलब प्रोड्यूस करूंगा और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों अभी मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ दिखा दिया है, बताया कि किस तरीके से आपको इस कैटेगरी में वर्क करना है, कैसे वीडियो को एडिट करना है, क्या क्या वीडियो के अंदर आपको टेक्स्ट के जरिए लिखना है ताकि वीडियो आपकी यूजर देखने पर मजबूर हो जाए। अगर स्किप करके देखा होगा तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे जरूर पूछोगे कि यार ये कैसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। अगर स्किप नहीं कर किया होता तो आपके मन में सवाल नहीं आता। तो चलिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, इसी तरीके की कंटेंट आगे भी एकदम फ्री में देखने के लिए, और इस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अपने स्पेशल और फ्रेश वीडियो के अंदर।